एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। ये है मूंग दाल इडली। जी हाँ, मूंग दाल की इडली जो बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, और इसे ब्रेकफास्ट में खाइए या लंच में खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये हेल्दी रेसिपी बनती कैसे है ये देखने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक कप मूंग दाल, यानी एक कटोरी मूंग दाल। आप समझ लीजिए जो धुली हुई मूंग होती है ना, बस वही वाली दाल हमें लेनी है। और इसे 3-4 बार अच्छे से पानी में धो के, और उसके बाद हमें 4 से 5 घंटे के लिए इसे भिगो देना है। ये बहुत जल्दी फूल जाती है, और ये देखिए फूलने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो ये मेरी दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो अब क्या करना है कि इसे हमें पीस लेना है। तो इसमें जो एक्सेस वाटर है ना, हमें ये पूरा ही छान देना है, और उसको थोड़ा सा बस पानी डाल के हमें बिल्कुल महीन पीस लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं इसे। और मूंग दाल को पीसने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हमारा जो है वो तैयार होता है। और इस पेस्ट में अब हम 2 चम्मच सूजी मिलाएंगे, इसे थोड़ा सा ग्रेनी बनाने के लिए। इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इडली का। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप दही, और ये गाजर है जो मैंने कद्दूकस कर लिए यानी ग्रेट कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर लिए हैं। इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर भी आएगा और थोड़ा और हेल्दी बनेगा हमारा नाश्ता। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम छोड़ देंगे, और अब हम इसमें एक तड़का डालेंगे। तो चलिए देखते हैं तड़का कैसे बनता है। तो इस तड़के को बनाने के लिए बस 1 छोटी चम्मच यानी टी स्पून से हमें इसमें तेल डालना है 1 चम्मच। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून ही राई यानी मस्टर्ड सीड्स। और जब मस्टर्ड सीड्स थोड़ी सी क्रैकल होने लगे ना, तो हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे 1 पिंच के करीब, और 3-4 कड़ी पत्ता, और उसे भी हम तोड़कर इसमें डाल देंगे। तो ये जो तड़का हम इसमें डालते हैं ना, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये तड़का अब हमारा तैयार हो गया है। तो बस जो हमने मूंग दाल का बैटर तैयार किया था ना, उसमें हम ये सारा तड़का जो है वो डाल देंगे अब। और कोई भी इडली वगैरह हम बनाते हैं और इस तरह अगर तड़का दे देते हैं ना, तो इडली का फ्लेवर जो कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। और इसके बाद हमने इसमें नमक डाला है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमने इडली का कुकर जो है ना, या जो भी स्टीमर आप यूज़ कर रहे हैं, उसे पानी डालकर हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है पानी को। और जो इडली का बर्तन है उसे हम ग्रीस कर लेंगे। और लास्ट में जब हमने हमारा पानी बिल्कुल बॉईल हो गया है और हमने अपना बर्तन जो है इडली का वो भी ग्रीस कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इनो। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, या फिर 1 चुटकी के करीब आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्के हाथों से बिल्कुल मिक्स कर लेना है हमें। तो जब भी हम इसमें इनो डालते हैं ना, उसके बाद ही बस हमें फटाफट इसे इडली स्टैंड में डाल देना है। तो बस इस बैटर को हम जो ग्रीस किया हुआ इडली स्टैंड है हमारा, उसमें डाल देंगे। और हमारा पानी तो ऑलरेडी उबल ही रहा है, तो बस अब इसको अच्छी तरह बिल्कुल भर लेंगे, और उसके बाद हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो हमारा पानी जो है अच्छे से बॉईल हो गया है, तो अब हम अपना इडली स्टैंड जो है ना, वो इस पर लगा देंगे, और बस 10 से 12 मिनट में हमारी जो इडली है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसे ढक देना है और बस 10 मिनट इसे स्टीम होने देना है। और ये लीजिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो देखिए हमारी इडली कितनी फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है। और मिडल में ऐसे नाइफ डाल के आप निकालते हैं ना, तो अगर ये बिल्कुल साफ निकल के आ रहा है, यानी आपकी इडली बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस इस गर्मा गर्म इडली को हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी ईजिली निकल के आई है और कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी बनी है ना, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये इडली, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व कीजिए, या आप सांभर के साथ खाइए, ग्रीन चटनी के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगती है। तो देखिए अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट एकदम जालीदार बनकर आई है, और इस इडली को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है नाश्ते के लिए। अगर आप चावल अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ मूंग दाल और सूजी से बनती है। तो रेसिपी पसंद आई है
तो ट्राई ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।